नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आज की इस नई वीडियो में। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर बड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए, उसके पहले अगर आप चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, साथ ही आप हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो भी कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि साउथ अफ्रीकन एयरवेज की तरफ से निकल कर आ रही है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पर साउथ अफ्रीकन एयरवेज को अब तक करीब करीब 10 से ज़्यादा ऑफर्स मिल चुके हैं, पर कुछ सीरियस कंडीशंस की वजह से एयरलाइंस का जो रिवाइवल है वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। पर लगातार यहाँ पर जो ऑफर्स हैं वो मिल रहे हैं, साथ ही साउथ अफ्रीकन एयरवेज को कॉम एयर से भी कुछ ऑफर्स मिले हैं और ये प्रिफर्ड इन्वेस्टर है, तो देखते हैं कि आगे साउथ अफ्रीकन एयरवेज के साथ क्या होता है। खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि एयर इंडिया से निकल कर आ रही है। आपको बता दें, एयर इंडिया ने अपनी जो नई फ्लाइट है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए शुरू कर दी है और ये फ्लाइट एक्स्ट्रा में है, तो यहाँ पर 13 नई फ्लाइटों को ऑस्ट्रेलिया इंडिया के रूट्स के बीच में स्पेशल तरीके से ऑपरेट किया जा रहा है। अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि कोची एयरपोर्ट से निकल कर आ रही है। दोस्तों आपको बता दें, अगर आप भी कोची से यूरोप के लिए यात्रा करने वाले हैं तो आप बिल्कुल अब इन रूट्स के बीच में यात्रा कर सकते हैं। आपको बता दें, यहाँ पर पहली जो फ्लाइट है वो भी ऑपरेट हो जा चुकी है कोची से यूरोप के लिए, और जो लैंडिंग है वो भी सफलतापूर्वक हो गई, यानी अब कोची और यूरोप डायरेक्टली कनेक्टेड हैं एक दूसरे से फ्लाइट रूट से। अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि विस्तार एयरलाइंस से निकल कर आ रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पर इंडिया की विस्तार एयरलाइंस अपनी कुछ स्पेशल फ्लाइटें जो हैं वो दुबई के लिए ऑपरेट करने वाली है, और साथ में बता दें कि विस्तारा की ये फ्लाइटें भारत के बेंगलोर एयरपोर्ट और मुंबई एयरपोर्ट से ऑपरेट की जाएंगी, तो आप इनकी वेबसाइट पर जाकर दुबई के लिए यात्रा के लिए आप अपनी जो बुकिंग है वो कर सकते हैं। ये फ्लाइटें एयर बबल के थ्रू ऑपरेट की जा रही हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वाली जानकारी के साथ। टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम।